नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व होता है। इस पौधे का माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु को भी तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। जिस घर में नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हालांकि तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ खास नियम जिनका पालन करना जरूरी है, आइए जानते हैं कि तुलसी से जुड़े इन जरूरी नियमों के बारे में। तुलसी की पत्तियाँ दैवीय मानी जाती हैं। तुलसी के पत्ते से जुड़े कुछ खास नियम होते हैं। गलत समय में तोड़ी गई तुलसी बिना किसी कारण के लिए तोड़ी गई तुलसी की पत्तियां अशुभ फल देती है। वजह, तुलसी की पत्तियां तोड़ने से आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। तुलसी की पत्तियां कुछ खास दिनों में तो नहीं तोड़नी चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन सूर्यास्त के बाद भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में इन दिनों में तुलसी के पत्ते को तोड़ना धार्मिक अपराध माना जैसा शास्त्रों में दिनों में तुलसी के पत्तों को तोड़ना धार्मिक अपराध माना जाता है, जिसके दुष्परिणाम भी आपको झेलने पड़ते हैं। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से पहले हमेशा तुलसी माँ की प्रतीकात्मक आज्ञा लेनी चाहिए। तुलसी की पत्तियां तभी तोड़े जब वास्तव में आपको इसकी जरूरत हो। किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए तुलसी के पत्तियों को तोड़ना उचित माना जाता है। तुलसी के पौधे को हमेशा सूर्योदय के बाद स्नान करने के बाद साफ हाथों से ही छूना चाहिए। अगर तुलसी के पत्ते पहले से ही टूटे हुए हैं तो उन्हें भी हाथ साफ करके ही छूना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर दिशा, ईशान कोण या फिर पूर्व दिशा में ही लगा सकते हैं। इन दिशाओं में लगी तुलसी घर में सुख समृद्धि लाती है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा में लगाने से घर में सूर्य के समान ऊर्जा आती है। तुलसी के पौधे को कभी भी साउथ या साउथ वेस्ट दिशा में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।